नमस्कार, बात छत्तीसगढ़ की में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ बुशरा और आज बात कर रहे हैं कर्ज माफी भूपेश का मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की राजनीति में धान और किसान पिछले 10 वर्ष से केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ लगातार धान खरीदी और किसानों को लेकर राजनीति होती चली आ रही है। जो पार्टी किसानों के हित के बात करती है उनकी सरकार बनती है। ऐसे में एक बार फिर से भूपेश बघेल ने किसानों के कर्ज माफी का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, जिसका असर आने वाले चुनाव में पड़ सकता है। इस पर पहले एक खास रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद विशेष मेहमानों से चर्चा। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सक्ती जिले में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया है कि कांग्रेस की सरकार आते ही पूर्व की तरह इस बार भी हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। जन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को शक्तिवान बनाना है, इसलिए ऐलान करता हूं कि जिस तरह से पहले हमने किसानों का कर्ज माफ किया था, दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर से कर्ज माफी होगी। सीएम भूपेश बघेल ने इस घोषणा की जानकारी ट्वीट कर भी दी थी। हमारे किसान हितैषी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल द्वारा आगामी चुनाव में किसानों के हित को देखते हुए कर्ज माफ करने की घोषणा की है, उसे समस्त छत्तीसगढ़ के किसान स्वागत करते हैं। किसानों का कर्जा मतलब संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए, ना कि प्राइवेट बैंक का कर्जा नहीं माफ होगा। जो पूर्व 2018 की घोषणा के अनुसार किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ, उसी प्रकार भी इस समय छलावा या धोखा किसानों के साथ नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2018 की अपनी जन घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी की बात कही थी। वहीं कांग्रेस की सरकार आने पर छत्तीसगढ़ के 17 लाख किसानों के करीब 9,720 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। इसके अलावा किसानों का 325 करोड़ रुपए का सिंचाई कर्ज भी माफ किया गया है। वहीं इस बार फिर से किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा के अलावा समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा कर चुकी है। 20 क्विंटल हमारा धान खरीद को 3 घोटा में 70 रुपए के कट रहे हैं। अभी तो हमें बहुत कम गारंटी होते हो। आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान मन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान मन के ऋण माफी हो। वहीं सीएम भूपेश बघेल की इस घोषणा पर तंज कसते हुए बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि उसके पहले कांग्रेस ने कहा था कि उनकी सरकार आए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बेरोजगारी के साथ छल किया गया, पीएससी घोटाला किया। अब ये सरकार कितनी भी घोषणा कर ले, इसका चुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला। पीएससी घोटाला हुआ, उस गरीब आदमी से पूछो कि जिसने अपना, जिसकी माँ ने गहने बेचे, पिताजी ने जमीन बेची और उसको जब सोचा कि ये कहीं डिप्टी कलेक्टर बनेगा, बड़े बड़े स्थान पर आएगा, जब रिजल्ट निकला तो नेता और अधिकारी के बच्चे पास हुए। अब इस सरकार का भ्रम दूर, अभी ये कितनों घोषणा कर ले कोई असर नहीं है। इसलिए ये सरकार बदल रही है, परिवर्तन आ रहा है और उसी के कारण ये सरकार जो है बंदूक का सहारा ले रही है, अपराधियों का सहारा ले रही है, टारगेट किलिंग कर रही है। बहरहाल चुनाव के ठीक पहले सीएम भूपेश बघेल ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा कर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब देखना होगा कि बीजेपी इसका क्या तोड़ निकाल पाती है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस सरकार के कथित घोटालों और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, लेकिन चुनाव में जनता पर कितना असर पड़ता है ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस विषय पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष पैनल भी जुड़ गया है। कांग्रेस से प्रवक्ता श्री कुमार मैनन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से प्रवक्ता सुनील चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी की ओर रुख करेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की कर्ज माफी का ये चुनावी तीर छोड़ा है, वो निशाने पर लग सकता है या नहीं, इसका असर आप किस तरीके से देखते हैं? सुनील जी। जी, जोहार छत्तीसगढ़। देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी जो कि छत्तीसगढ़ के अभी मुख्यमंत्री हैं, जो कुछ दिन बाद नहीं रहेंगे, वो केवल घोषणावीर मुख्यमंत्री बनकर के रह गए हैं। पिछले बार भी इन्होंने
कर्ज माफी की घोषणा कर दी और कर्ज माफी की घोषणा में लोगों को लगा कि किसानों का सारा कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन किया क्या, सोसाइटी का अल्पकालीन जो ऋण है केवल उसे ही माफ किया, दीर्घकालीन ऋण माफ नहीं किया, राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण माफ नहीं किया। आज भी किसान ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, उनको नोटिस मिलता है लगातार, बैंक जो है नोटिस दे रहा है कि आप अपना कर्जा पटाइए, और किसान को लगता है कि मेरा कर्जा तो भूपेश बघेल की सरकार पटा दी है। तो भ्रम की स्थिति और छल की स्थिति छत्तीसगढ़ में है, और इसी छत्तीसगढ़ में 1000 किसानों ने आत्महत्या की है। मुख्यमंत्री जी और इनके कोई मंत्री उन किसानों के घर तक नहीं गए, एक बोल उनके मुंह से नहीं फूटते हैं। ये ऐसी सरकार है जो नकली गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट के नाम पर किसानों को छल रही है। हर साल किसान कर्ज लेता है, लेकिन ये केवल 5 साल में कर्ज माफी की घोषणा करते हैं। मैं कहता हूं भाजपा का घोषणा पत्र आने को है, आप इंतजार करिए, हम ऐसी योजना लेकर के आने वाले हैं कि किसान को कर्ज ही लेना नहीं पड़ेगा। हम किसान को दरकिनार नहीं किया जा सकता, जो है वो पिछले 10 सालों से अन्नदाता किसान को जो है किसान की कर्ज माफी से जुड़ा मुद्दा या किसान का मुद्दा केंद्र बिंदु रहा है। यानी जिस भी सरकार ने सरकार में आने से पहले किसान के हित के बारे में अगर सोचा है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा राजनीतिक पार्टियों को मिला है, और 2018 में भी ऐसे ही कुछ हुआ है। मिशन 65 भले ही बीजेपी ने डिसाइड किया हो, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को मिल गया था क्योंकि बात किसानों की हुई थी। सुनील जी, जी देखिए, मैं वही बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियां रही वो कहीं ना कहीं किसानों को छलने वाली रही, केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाली स्थिति रही। किसान सम्मान निधि की सूची आज तक छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं पहुंचाई है, कितना बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है मैं इनसे पूछना चाहता हूं। और एमएसपी के विषय में यदि बात करें, ठीक है, तो जवाब ले लेते हैं। शिव कुमार जी बीजेपी कह रही है और यहाँ पर सुनील जी भी कह रहे हैं कि कर्ज माफी का मुद्दा जरूर कांग्रेस ने बनाया पर फायदा सीधा किसानों को मिला नहीं है। जी नमस्कार मिश्रा जी, सबसे पहली बात, बीजेपी पार्टी किस प्रकार से विचलित है, शीर्षस्थ इनके नेता से लेकर हमारे साथी भाई प्रवक्ता जो आज हमारे साथ बैठे हैं, जो कह रहे हैं, ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को किसानों पर केंद्रित करके रख दिया है। बुश्रा जी, इन्होंने एक बात कही, मैं चाहूंगा उसको रिकॉर्ड में लिया जाए, उस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा है कि अभी 1000 किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 4-5 सालों के अंदर में। क्या आपको लगता है भाजपा के प्रवक्ता का ये जो वक्तव्य है सही है? क्या ऐसा छत्तीसगढ़ के अंदर संभव है कि 1000 किसान की मृत्यु हो जाए, आत्महत्या कर ले वो, और उस मामले को मुद्दा आज इतने 4.5 सालों में बीजेपी न बनाए? ये ऐसे झूठ फैलाने, अफवाह फैलाने में माहिर लोग हैं। 1000 किसान की बात करते हैं, मैं कहूंगा इनसे सिर्फ 10 किसानों का नाम लेके बता दें। मैं चैलेंज करता हूं इस आपके डिबेट में, आपके लोकप्रिय चैनल के डिबेट में, कि 10 किसानों का नाम बता दें। 1000 तो बहुत दूर की बात है। पहले हम 15 साल के अंदर में रमन सिंह जी की सरकार के समय में लगातार अखबारों में खबर छपती थी, लगातार खबर छपती थी, चाहे भनपुर का मामला हो, चाहे धरसीवा का मामला हो, चाहे रायगढ़ का मामला हो, चाहे नामगांव का मामला हो, आत्महत्या के संबंध में कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं किसान, खेती में नुकसान के कारण आत्महत्या कर रहे हैं किसान, वन उपज के सही मूल्य न मिल पाने के कारण आत्महत्या कर रहे किसान। लेकिन इस प्रदेश के 4.5 साल के अंदर में एक बार भी ऐसी घटना हुई हो तो बता दें। ठीक है, ये शिव कुमार जी ने एक डेटा पेश किया है, एक डेटा मैं भी यहाँ पर पेश करना चाहती हूँ। इस बात से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि 17 लाख किसानों को करीब 9720 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ है, ये सरकारी ऑन रिकॉर्ड के आंकड़े कहते हैं। इस पर शिव कुमार जी ने एक डेटा पेश किया है, इस पर जवाब सुनील जी से लूंगी, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा रिएक्शन अनिरुद्ध जी से चाहूंगी। अनिरुद्ध जी, कर्ज माफी को किस तरीके से देखें, छत्तीसगढ़ की राजनीति में असर डालेगा या नहीं, और अभी तक डाला तो कितना? देखिए बुश्रा जी, सबसे बड़ी बात तो है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, और किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने सोचने की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके आगे भी बहुत कुछ है बुश्रा जी।
देखिए क्या है कि जब 2018 का विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था और भारतीय जनता पार्टी का तीसरा कार्यकाल था, तो 2018 में सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखने के लिए तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी आए थे और एक उनसे ये सवाल हुआ था कि जो है आज छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में किस जगह पे खड़ा है। और मैं समझता हूं कि वो प्रश्न आज भी 5 साल बाद वो वहीं का वहीं है कि आज हम शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में कहां पर खड़े हैं। निश्चित रूप से स्वामी आत्मानंद स्कूल का जो है अंग्रेजी मीडियम स्कूल का जो है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एक जो प्रयास शुरू की हुआ वो सराहनीय है, लेकिन उस पर और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है और बहुत सारे काम करने की जरूरत है। अभी चूंकि पूरी देखिए एक समय में छत्तीसगढ़ की जो है राजनीति आदिवासी पे केंद्रित हुआ करती थी, मतलब जिधर देखो तो सिर्फ आदिवासी की बात की जाती थी, आदिवासियों का कितना भला हुआ ये इस विषय में मैं अभी नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ की जो है राजनीति किसान और धान पर केंद्रित हो गई है आज जाकर, लेकिन बहुत विविध पहलुओं पर सोचने की जरूरत है। आप अन्नदाता के पक्ष में निर्णय ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीजों को समेट कर चलना होगा, बहुत सारी चीजों को लेकर आपको आगे बढ़ना होगा, तब छत्तीसगढ़ स्टेट जो है पूरे भारतवर्ष में एक अपने एक अलग मुकाम पे जाकर खड़ा नजर आएगा। ठीक है सुनील जी, अनिरुद्ध जी के पास जाने से पहले आपसे सवाल था, कुछ आंकड़े श्री कुमार जी ने भी पेश किए थे और सवाल यही है कि अगर 17 लाख किसानों का ऑन डेटा ये कहा जा रहा है कि उनको इसका सीधा फायदा मिला है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा? देखिए क्या फायदा मिला है, किसको फायदा मिला है, ये तो कांग्रेसी बड़े अच्छे से जानते हैं। यहां पर जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उन किसानों को कितना लाभ हुआ और इनके जो पूंजीपत्री मित्र जो हैं बड़े बड़े 500 एकड़ 200 एकड़ 400 एकड़ वाले, उनको कितना लाभ हुआ है वो सारे लोग जानते हैं। और मैं आ रहा हूँ भैया, बिल्कुल आ रहा हूँ। मैंने भी आपसे प्रश्न पूछा था, आपसे मैंने प्रश्न पूछा था कि आप बताएं कि आप कर्जा माफ जो है वो सोसाइटी का करते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का करते हैं, पहले इस बात को बताइए। और रहा 1000 लोगों के आत्महत्या का सवाल, तो जरा अपने विधानसभा में आपके मंत्री ने जो उत्तर दिया है उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बोलेंगे तो मैं भेज दूंगा आपको, मेरे पास सारा डेटा उपलब्ध है, आपको मैं घर पहुंचा करके दूंगा, जरा उसको पढ़िएगा कितनी आत्महत्या हुई। श्री कुमार जी, सवाल लेकिन आपकी पार्टी से भी है, कितनी हत्या हुई, कितनी चोरी हुई, कितनी क्या घटना घटी, आपका मैं आ रही हूँ लौट जा रही हूँ, उसको पढ़िएगा। ऐसे समय भी कम पड़ेगा, बात समझ नहीं आएगी किसी की। कांग्रेसियों आ रही हूँ, लौट रही हूँ आपके पास, जनता से कि आप आ रही हूँ, आप लोग जिस तरीके का यहाँ पर किए हो श्री कुमार जी समझ में आएगा। लगातार बीजेपी भी ये मुद्दा उठा रही है कि एक और नया वादा तो कांग्रेस ने कर दिया है, ये सोचकर के 2018 में फायदा हुआ तो शायद 23 में फायदा मिल जाए और भूले भटके शायद 24 में भी इसका फायदा सीधा सीधा मिल जाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका जवाब कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं आया है। जब जब बीजेपी ने आपकी पार्टी से पूछने की कोशिश की है कि बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था, ठीक है कर्ज माफी अलग चीज हो गई, लेकिन बेरोजगारी भत्ता देने का जो एक अलग वादा किया था, बहुत ज्यादा उम्मीदें इस बात से भी की जा रही थी, वो आंकड़ा अभी तक कहां है? देखिए बेरोजगारी भत्ते के संबंध में हमने अपने घोषणा पत्र में रखा था और बेरोजगारी भत्ता तय नियमों के तहत शुरुआत भी कर दी गई है, आज 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये सवाल पूछने के पीछे मकसद यही है कि बहुत सारी घोषणाएं तो कर दी जाती है लेकिन उनका इम्प्लीमेंट नहीं होता। बुशरा जी 100 करोड़ रुपए प्रावधान रख के बेरोजगारी दिया गया है, बता दो भैया किसानों के संबंध में हम जब बात कर रहे हैं, किसान चले गए दूसरी पदों को बांट लिए, जरा वो भी बताओ ना, हतोत्साहित करती है धान के उत्पादन करने के लिए, दलाल लोग पीएससी के पदों को बांट लेते हैं युवाओं के साथ, कितना बड़ा छल हो गया। कहीं ना कहीं अगर मदद छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है उसके कारण ही आज गांव और उसके साथ साथ शहर के अंदर में जो विकास गति रुकी रही है उसका एक बड़ा कारण है। अरे किसानों का रकबा काट दिए गिरदावरी के नाम पर, रकबा काट दिए किसानों का, और क्या बगर मेड़ के कौन सा खेत होता है ये बता दो, बगर मेड़ के कोई खेत होता है क्या? किसान अपने पैसे को मार्केट में लाता है,
आज कोरोना काल होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के अंदर में वही पैसा एटीएम बंद करके कांग्रेस भवन जा रहा है दिल्ली के गांधी परिवार के चरणों में समर्पित हो रहा है। वही पैसा भ्रष्टाचार में काम आ रहा है। वही यहाँ के खून के पसीने की कमाई, अन्नदाताओं की कमाई, किसानों की कमाई को लूट करके लोग ले जाकर के गांधी परिवार के चरणों में समर्पित करते हैं, जिसके लिए वो लोग सरकार ने काम नहीं किया हो, भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम किया, इसीलिए इन लोगों की परेशानी है, भाजपा की परेशानी इसी बात, इसीलिए झूठ आरोप लगाने का काम करते हैं। लेकिन सुनील जी, ये सवाल आपकी पार्टी के लिए भी उठता है कि 15 साल का समय जब बीजेपी के पास रहा था, ये जानते हुए भी कि केंद्र बिंदु किसानों के मुद्दे, धान से जुड़े हुए मुद्दे, इसका सीधा फायदा चुनावी माहौल में पड़ सकता है, तो क्यों 2018 में जहां पर बड़े दावे मिशन 65 से ऊपर उठकर के किए जा रहे थे, कहां पर चूक रह गए, ये जानते हुए भी कि जनता से जुड़े मुद्दे कौन कौन से हैं? देखिए बुशरा जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि 5 साल जाता है कि 15 साल जाता है? इस छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया था वो 15 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को दिया था, और हमने 15 गुना धान की खरीदी बढ़ाई छत्तीसगढ़ के अंदर में, किसानों को खुशहाल किया, उनको जो है पंप के कनेक्शन दिए, जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने का काम किया, लगातार किसानों के हित में काम करते रहे। अगर रमन सरकार के कार्यकाल से इतना ही किसान खुश थे, 15 साल तो हमें चुना था, 15 साल हम रहे, ये ठीक है। अनिरुद्ध जी से रिएक्शन चाहूंगी, अनिरुद्ध जी झूठ का घोषणा पत्र, इन्होंने कहा हम कर्जा माफी कर देंगे, और कर्जा किसका माफ किया, कर्जा एवं माफ किया, अल्पकालिक सोसाइटी का कर्जा, सोसाइटी का भी दीर्घकालिक माफ नहीं कर पाए। ये बात उनसे पूछिएगा, समय दिया था मैंने आपको, लौट रही हूँ आपके पास। अनिरुद्ध जी बात पूरी कीजिए। जी जी बुशरा जी पूछिए, सवाल क्या है? सुनील जी अपनी पार्टी के कार्यकाल को गिना रहे हैं, श्री कुमार जी अपनी मौजूदा समय के कार्यकाल की जो है कथनी और करनी में अंतर समझा रहे हैं, डेटा भी पेश कर रहे हैं, लेकिन इसका असर कितना पड़ता है? और अभी मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो कितना असर, क्योंकि वही वादा एक बार फिर से उसी मास्टर स्ट्रोक को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोहराया है, तो किस तरीके से देखें अगर हम मीडिया एनालिसिस रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो? अनिरुद्ध जी देखिए गुप्ता जी, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, काम तो करती है, मतलब ऐसे हाथ में हाथ धरे कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बैठती। बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो निश्चित रूप से कई चीजों को साधने की कोशिश कर रही थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रदेश में बहुत सारे काम हुए, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के वादे थे किसानों से, उसमें एक बोनस का भी बहुत बड़ा मसला था, कहीं पे समझने में चूक हो गई, मतलब जो जिस समय देना था दिया नहीं गया, जब बात आई तब दिया गया, फिर धान कितने समर्थन मूल्य पे कितने क्विंटल धान की खरीदी क्या है, ये भी कुछ मामला उलझा हुआ था, तो ये चीजें धीरे धीरे खिसकती चली गई। और वहीं पे कांग्रेस ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला कर्ज माफी का, जिसमें राहुल गांधी ने जब चुनाव से ठीक पहले 2018 के यहाँ पे मंच से घोषणा कर दी रायपुर में आके कि जैसी सरकार बनी कर्ज माफ, और देखिए क्या है, ये काम कर गया। और ये क्या है कि तब भी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता, कुछ बड़े नेता उसको समझ नहीं पा रहे थे इस चीज को, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का ये भी कथन सामने आया था कि अगर कहीं इटली से भी पैसा आ जाए तो किसानों का ये छत्तीसगढ़ सरकार जो है नई सरकार कर्ज माफी नहीं कर पाएगी। लेकिन किसानों का कर्ज माफ हुआ, ये बहुत बड़ी मतलब है ना थी, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी बहुत सारे पहलू हैं, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं बुशरा जी, कि ये मुद्दा हमको शुरुआत तो अन्नदाता से ही करनी चाहिए, सोचने की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए, लेकिन हमको बहुत सारे मुद्दों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, अपनी उपस्थिति दिखानी पड़ेगी, अपनी मौजूदगी दिखानी पड़ेगी, तब जो है एक आदर्श प्रदेश की तस्वीर तब जाकर बनेगी। बहुत सारी चीजों को साधने की जरूरत पड़ेगी, जहां तक मैनिफेस्टो आए तो दोनों पार्टियों को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। श्री कुमार जी, कांग्रेस ने तो अपना एक मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है, लेकिन ये इस बात से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े बहुत सारे ऐसे और भी मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं असर डाल सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि
हर बार आंकड़े बीजेपी पेश करती आई है सीटों को लेकर, ये दाव उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी को पिछले बार आंकड़े उन्होंने जरूर पेश किए थे लेकिन उसे पूरा कर ले गई कांग्रेस, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि आंकड़े पेश कर रही है कांग्रेस, कहीं ये दाव उल्टा ना पड़ जाए। और एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस काफी समय से जिस तरीके से कैंपेनिंग शुरू हुई है अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में मान रही है, जब वाकई में इतनी अच्छी स्थिति में कांग्रेस है तो इस मास्टर स्ट्रोक को खेलने की आवश्यकता क्यों? क्या अब भी अंडर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस जी रही है? देखिए ऐसी बात नहीं भूषण जी, हम लोग जब अगर किसानों की बात करते हैं तो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये मुद्दा हमारा लोगों को न्याय देने का मामला है। कांग्रेस जब बात करती है न्याय देने के लिए उनकी आवश्यकता और उनके जरूरत के हिसाब से, अगर हम आज ये घोषणा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आने पर हम जो 2800 रुपए आज दे रहे हैं उसको हम 3600 करेंगे, तो कहीं भी हम ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं। जी आप आंकड़े बड़े अच्छे पेश करते हैं, इसके पहले भी मैंने देखा कि बहुत अच्छे से आपने आंकड़े पेश किए थे। सवाल यही है, अनिरुद्ध जी भी इसी बात को कह रहे हैं कि जब इतने सारे मामलों में आप चुप हैं, महज क्योंकि पिछली बार 2018 में आपको कर्ज माफी से का सीधा सीधा फायदा हुआ था, तो एक बार फिर से उस मास्टर स्ट्रोक को क्यों खेल रहे हैं? सिर्फ चुनावी स्टंट है इसलिए? नहीं, आंकड़े क्योंकि आप बहुत अच्छे पेश कर रहे हैं तो इस पर भी बात कीजिए ना। देखिए जब जब केंद्र की सरकार 1,00,000 करोड़ रुपए के ऋण, 1,50,000 रुपए के ऋण कॉरपोरेट कंपनियों को जब माफ कर सकती है, तो क्यों किसानों के लिए अगर 8-10 हजार ऋण अगर होता है, कोई लोन होता है, तो उसको क्यों नहीं माफ किया जा सकता है? मोदी जी की सरकार 1,00,000 करोड़ रुपए माफ कर रही है कॉर्पोरेट ऋणों को। ऐसे कितने सारे मुद्दे सुनील जी भी उठा रहे हैं, जी पीएससी घोटाला है, बेरोजगारी भत्ता है, शराबबंदी को लेकर के एक मुद्दा है, इस पर क्यों कांग्रेस नहीं बोल रही है? ये सब पिछले मैनिफेस्टो की बातें हैं शिव कुमार जी, ये पिछले मैनिफेस्टो की बातें हैं, सवाल तो उठेगा। बोलना चाहूंगा निश्चित रूप से, शराबबंदी के संबंध में हम बोलना चाहेंगे मिश्रा जी, हमने गंभीरता से इस संबंध में प्रयास किया, इसके लिए स्टडी किया गया, ऐसे स्टेट्स जहां पर बोलने का समय नहीं बचा है शराबबंदी के लिए, आपको जनता बोलेगी छत्तीसगढ़ की शराबबंदी के विषय में, अब तो कर्मचारी बोलेंगे छत्तीसगढ़ के एलिमिनेशन के विषय में, अब तो कर्मचारी बोलेंगे उनके 5 लाख परिवार बोलेंगे शराबबंदी के लिए, महिलाएं बोलेंगी। सुनील जी बीच में नहीं आ रही हूं मैं आपके पास, वैसे भी समय की कमी है, आ रही हूं जी आपके पास, उखाड़ लेने वाले हैं उन सबको देखने के लिए व्यवहारिक दिक्कतों के कारण। और चूंकि हमारा इस प्रदेश जो है आदिवासी इलाकों से, हमारा एक तिहाई इलाका जो है आदिवासी, ठीक है शिव कुमार जी हो गया, तमाम सुनील जी का एक रिएक्शन, क्योंकि समय की कमी है, जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ सुनील जी, इसलिए हमारी सरकार ने सुनील जी किया है कि उसको धीरे धीरे करके। देखिए मैं कहता हूँ धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए है, राज्य की सरकार मात्र 600 रुपए 500 रुपए देकर के तमगा लगा फिरती है, 80% पैसा जो है केंद्र की मोदी जी की सरकार देती है और तब ये धान और चावल खरीद पाते हैं। और मैं कहता हूँ ये गौ और गौठान में भ्रष्टाचार करने वाले ये क्या बात करेंगे, गरीबों के प्रधानमंत्री आवास को रोकने वाले ये क्या बात करेंगे, पिछले 2 साल का धान का बोनस देंगे ऐसी घोषणा करने वाले दे नहीं पाए, ये क्या बात करेंगे छत्तीसगढ़ की जनता का। चलिए शिव कुमार जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुनील जी आपका भी बहुत शुक्रिया और अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में धान और किसान पिछले 10 बरस से केंद्र बिंदु रहे हैं, यहां लगातार धान खरीदी और किसानों को लेकर राजनीति होती रही है, जो पार्टी किसानों के हित की बात करती रही है उनकी सरकार बनती रही है। ऐसे में एक बार फिर से भूपेश बघेल का ये मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर साबित होगा ये आने वाला समय तय करेगा। बहरहाल हमारे खास पेशकश में इस विशेष चर्चा में आज के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।